तो आज हम रामायण के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने महाभारत की बात की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, रामायण की बात करते हैं तो इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और इनका जो मूल नाम था, ठीक है, वाल्मीकि हर कोई जानता है, लेकिन इन महर्षि वाल्मीकि का जो मूल नाम था, असल नाम था, वो था अग्निशर्मन। रामायण को भारत का आदि महाकाव्य एवं वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। महाभारत व पुराणों में वाल्मीकि को भार्गव अर्थात रघुवंश नंद से उत्पन्न बताया गया है। इसके प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, रामायण में शुरुआत में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में धीरे धीरे बढ़ते हुए 12000 और वर्तमान में कितने हैं, 24000 श्लोक हैं। इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि महाभारत का भी जो अंतिम बार संकलन था वो इसी समय हुआ, 400 ईस्वी के आसपास, और रामायण का भी संकलन इसी समय किया गया, और इसीलिए रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है, ये 7 कांड है रामायण में। बाल कांड व उत्तर कांड के अधिकांश भागों को बाद में जोड़ा गया है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि महाभारत भी एक समय में नहीं लिखी गई, किसी एक व्यक्ति द्वारा एक समय में नहीं लिखी गई, इसको लिखने में कई साल इसमें लगे। उसी प्रकार रामायण भी जो है वो इकट्ठी एक ही समय में नहीं लिखी गई। तो शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि इसमें 6000 श्लोक थे रामायण में, और धीरे 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 इसमें नए नए श्लोक जुड़ते गए, और वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक है। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कवि कंबन ने किया। कंबन नाम के कवि थे, इन्होंने तमिल भाषा में पहली बार इसका अनुवाद किया रामायण का, जिसमें रामायण का नाम रामायणम या रामावतरम है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सबसे पहले भारत से बाहर चीन में किया गया। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। इसका बंगाली में अनुवाद बंगाल के शासक बारबक शाह के समय कृतिवास ने किया था, तथा 20वीं सदी में ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, उन्होंने रामायण का तमिल भाषा में सच्ची रामायण के नाम से अनुवाद किया। इसके अलावा देखिए, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं गायत्री मंत्र, उसमें 24 अक्षर होते हैं। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र से शुरू होता है। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र से शुरू होता है। रामायण को बाद में महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में सरल शब्दों में लिखकर लोकप्रिय बनाया। तो ये रामायण से संबंधित कुछ ऐसी बातें थी जो प्रायः हमें देखने सुनने को नहीं मिलती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस आप निरंतर देख सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।